भाई, क्या हाल चाल है? तो आज हम देखने वाले हैं सीजीएल मेंस टाइप के जो क्वेश्चन है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से, उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, उसमें जो भी हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस में चल रहे हैं कि ट्रायंगल्स के अंदर सर्कल्स होता है तो कैसे होता है। तो पार्ट 1 में अपन देखे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर, ये सब स्पेशल केसेस है। और पार्ट 1 में ही 2 क्वेश्चन देखे थे जिसमें राइट ट्रायंगल के अंदर में सर्कल्स थे। आज हम लोग राइट ट्रायंगल के अंदर में ही मल्टीपल सर्कल्स आते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे वो देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोगों की शिकायत है कि सर डेली वीडियो डाला करो। तो सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, मैं इसीलिए इसी काम के लिए यहाँ आया हूँ। बट चाह के भी मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे भी अपना जॉब करना पड़ता है 10-11 घंटे के लिए, आते जाते और सोते, बहुत सारा टाइम उसी में चला जाता है, बहुत कम टाइम मिल पाता है फिर आप लोग के वीडियो के लिए, फिर तैयारी करना, फिर वीडियो बनाना, अपलोड करना। ये थोड़ा सा आप लोग को लगता होगा कि कम देर का काम है, बट एक आधे घंटे के वीडियो के लिए ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे हमको मेहनत करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा समझिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग के बीच जो है वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रेगुलरली लेकर के आऊँ। चलिए, तो यदि आपको लगता है कि आप IG ट्यूटोरियल्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे एक पेटीएम का नंबर आ रहा होगा। यदि आपको लगता है तो आप कुछ जो भी आपके मन में विचार में आए आप डोनेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैंडेटरी है, मन की करे तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, वीडियो ऐसे ही जारी रहेगा। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम जस्ट पिछली सेशन का एक छोटा सा बहुत इजी क्वेश्चन है, हालांकि कॉन्सेप्ट बता दिया था बट आप लोगों में से एक का पिंग आया था कि सर इस क्वेश्चन को डिस्कस करना, पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या था, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल सर्कल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल एज शोन इन द फिगर, द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। ABC आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल बताया था मैंने कि इसका यदि R1 है, रेडियस 1 है, तो ऊपर जाने के बाद 1/3 हो जाता है, फिर उससे ऊपर 1/9। तो यहाँ पे देखिए, यदि एरिया 1 होता है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/9। तो देखिए, टोटल जो नीचे वाला का एरिया दिया गया है 1386, तो ऊपर वाला का एरिया क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, 9 × 9 = 4, 9 × 5 = 45, 3 × 9 = 36, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। चलिए, अब हम लोग एक्चुअल कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। देखिए, ये जो है मल्टीपल सर्कल्स इन ए राइट ट्राइंगल, या आपको सेम चीज बोल दिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए कि ये क्वार्टर सर्कल है, इस तरह से क्वार्टर सर्कल है और इसमें कुछ आपको सर्कल्स जैसे भी दे दिया गया हो, या आपको बोला जाए कि किसी स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर सपोज इस ढंग से सर्कल दिया गया है, तो इस तरह की चीज को प्रोसीड कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सेम टाइप है जैसा कि राइट एंगल ट्राइंगल में भी आप लोगों को होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पे सेंटर होगा, सेंटर से इस टेंजेंट पे आप परपेंडिकुलर डालेंगे, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो जो आपको शेप मिलेगा, शेप जो है AOBC, शेप जो है AOBC जो है हमेशा आपका एक स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यों होगा ये आपको पता है, क्योंकि ए भी रेडियस, तो ए भी रेडियस, ये 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, तो बाकी ए भी 90 90 हो जाएगा, और ए आपको ए भी रेडियस के बराबर, ए भी रेडियस के बराबर, तो एक स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा जो है आपको कंस्ट्रक्शन इस तरह के क्वेश्चन में ये करना है कि आइदर आप टॉप से या इसको ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे मिला दीजिए, फिर यहाँ से आप इसको परपेंडिकुलर बना दीजिए, या आप सिमिलरली इस वर्टेक्स से आप इसको मिला करके परपेंडिकुलर डाल के क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे कि इसी में एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है कि यहाँ पे भी एक सर्कल है, यहाँ पे भी एक सर्कल है, तो सेम आपको काम क्या करना था, ऐसे स्क्वायर बना के फिर इसको मिला दीजिए, फिर आपको क्वेश्चन के साथ मूव करना है। एक और सर्कल आपको सपोज यहाँ दे दिया जाए, 3 सर्कल दे दिया या 4 सर्कल दे दिया जाए, हर तरह के क्वेश्चन में आपको यही वाला स्टेप लगाना है। स्टेप लगाने के लिए जो यहाँ पे आपको रेडियस निकालना है, वो रेडियस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, सपोज AP है, AB है और AH है, तो इसका फॉर्मूला पूरे डिटेल में मैंने बताया है। इन रेडियस क्या हो जाता है, P+B - H/2 होता है, तो ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन यदि लेंगे तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेते हैं जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, एक्चुअल आज के सेशन का पहला क्वेश्चन को। तो ये हमारा आज के सेशन का एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन है, बट राइट ट्रायंगल का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक्चुअली में आपको ना
यदि घर बैठ के भी बनाएंगे तो 1.5 से 2 मिनट, 2 मिनट मिनिमम लेगा ही लेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा आप यदि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके गए हैं तो थोड़ा सा इजी हो सकता है। एग्जामिनेशन हॉल में तो क्वेश्चन देख के स्किप करने का ही मन करेगा इस तरह के क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल है, हैविंग साइड पी क्यू एज 6 सेंटीमीटर, ए वाला साइड जो है आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है, क्यू आर एज 8 सेंटीमीटर, ओके। टू सर्कल्स आर इंस्क्राइब्ड एज शोन इन द फिगर, इसके अंदर दो सर्कल बनाए गए हैं जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, अब आपसे स्मॉलर सर्कल का रेडियस पूछा गया है, कैसे प्रोसीड करेंगे। एक चीज तो है कि यदि 6 और 8 का है तो ट्रिपलेट से जो आपका हाइपोटेनिस हो जाएगा वो तो आपका, सॉरी, वो तो आपका 10 हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनिस 10 हो गया। अब आपको जो कंस्ट्रक्शन मैंने बताया सेम कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। चलिए कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं, तो ए हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब आपको पता है कि सपोज ए आपको ले लीजिए पी है और इसका सेंटर क्यू है, तो आपको ये चीज तो पता हो गया यहां से यहां तक जो है, सपोज इसको अपन क्या मान ले, पी क्यू तो ऑलरेडी मान चुके हैं, तो इसको आप आर और एस मान लीजिए, तो इसको टी मान लीजिए, आर एस टी यू और भी, तो ये तो आपको पता है कि आर यू और आर भी जो है इन रेडियस होगा, तो क्यों ना हम इन रेडियस निकाल ले, क्या हो जाएगा पी प्लस एच माइनस पी प्लस बी माइनस एच बाई टू, तो 8 6 14 माइनस 10 4/2 यानी कि 2 आ गया, तो इतना लेंथ तो आपको 2 आ गया। इसका मतलब कि यहां तक का जो लेंथ होगा ये भी 2 होगा, इतना तो हमको पता चल गया। एक कंस्ट्रक्शन और करते हैं कि यहां से इस चीज को मिला देते हैं, इस चीज को तो अपन आराम से मिला सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, तो आगे ये होता है कि जो बेस है टोटल 8 दिया गया है और यहाँ तक का Q से U तक 2 दिया गया है, मतलब कि इतना रिमेनिंग जो है वो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये चीज तो आपका 6 सेंटीमीटर का हो गया। अब आगे आपको क्या देखना है, देखिए पूरे वाले जो 8 ट्रायंगल है R इसको ले लिया, सॉरी चलिए इसको PQR, तो इसको अपन कुछ M ले लेते हैं, ऑलरेडी लिया जा चुका है आर, तो इसको एम ले लिया, तो ट्रायंगल एम यू आर को आप यहां पे यदि लेते हैं ऐसे, ट्रायंगल एम यू आर को, एम यू आर को ऐसे ले लिया, तो फिर एस टी एक ऐसा है, एस और टी है। अब आपको एक चीज देखना है कि यू आर जो है आपका कितना है, यू आर आपका 6 है, एम यू कितना है, एम यू आपका 2 है, तो जो आपका एम आर हाइपोटेनिस हो जाएगा वो कितना होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 40√40 क्या हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा, 2√10 हो गया। अब एक चीज आपको देखना है कि ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए एंगल तो कॉमन है दोनों में, इसका मतलब कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में बराबर हो गया। इसका कहने का मतलब कि जो ट्रायंगल है एम यू आर, ट्रायंगल जो होगा सिमिलर होगा ट्रायंगल एस टी आर के, ये तो आपका सिमिलर हो गया। अब आगे आपको क्या करना है, देखिए आगे आपको कुछ नहीं करना है, बस सिमिलैरिटी को यूज कर देना है। यदि इस वाले चीज को, यदि आप इसके हाइट को एक्स लेते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे सिमिलैरिटी कोफिशियंट लगा सकते थे बट चूंकि नंबर नहीं है, क्योंकि एक्स जो है आपको 2 सेंटीमीटर का है, ए एक्स है, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है तो इजीली पता चल जाता है कि कितना गुना बढ़ रहा है या कितना गुना घट रहा है, तो सिंपल सिमिलैरिटी लगाते हैं। देखिए इस एंगल के सामने वाला बड़े ट्रायंगल में 2/छोटे ट्रायंगल का एक्स साइड ले लिए, फिर बड़े ट्रायंगल के 90 डिग्री वाला साइड क्या है, 2√10 है, तो छोटे ट्रायंगल के 90 डिग्री वाला साइड क्या है आपका, एस आर है। अब 2 से 2 को इसको काट सकते हैं, तो एस आर का जो लेंथ है वो आपको एक्चुअल में कितना आ गया, √10x आ गया, एस आर का लेंथ कितना आ गया, √10x आ गया। अब आपको एक चीज क्या देखना है, देखिए ये तो आपको पता चल गया कि एम से लेकर के यहां तक का लेंथ 2 है, सपोज इस पॉइंट को सपोज अपन क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, तो एम ए जो है आपका 2 है और ए एस भी तो एक रेडियस है जिसको आपने इतना लेंथ को क्या माना है, एक्स माना है, तो ए एस क्या हो जाएगा, ए आपका एक्स आ जाएगा। इसका मतलब जो टोटल एम से लेके एस तक का डिस्टेंस है, एम एस क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स हो जाएगा, तो एम एस
यानी कि इतना डिस्टेंस आपको क्या हो गया, 2 + x हो गया, और ए वाला डिस्टेंस आपको, एस आर का डिस्टेंस कितना आया है, √10x आया है। अब आप जो इक्वालिटी बन रहा है, इक्वेशन बन रहा है, वो आप लगा सकते हैं। कैसे, देखिए एम आर का वैल्यू आपको कितना है, एक्चुअल में एम आर का वैल्यू 2√10 है, तो 2√10। अब एम आर को लगा दीजिए, एम आर में एम एस प्लस एस आर हो जाएगा, एम एस का वैल्यू 2 + x है, प्लस एस आर का वैल्यू √10x है, इसका ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप देखते हैं, आराम से इसको कर सकते हैं, एक्स वाले को रहने दीजिए, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड ले ले जाइए। तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √10 + 1, इस साइड जाएगा तो 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √10 + 1, क्योंकि 2 को उस साइड ले लीजिए। तो एक्स का वैल्यू आपको एक्चुअल में क्या आ जाएगा, 2 √10 + 1 बटे √10, ये आपका √10 - 1 हो जाएगा, √10 - 1 बटे √10 + 1 हो गया। चलिए अब आप प्रमेयीकरण कर देंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 √10 - 1 का होल स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा आपको, वो आपको आ जाएगा 11 - 2√10, और नीचे में आपको क्या आ जाएगा, √10 का स्क्वायर 10 -1, यानी कि 9 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दिए, 2 से गुना कर देंगे तो 2 * 1 = 22 -4√10/9, ये आपका x आ गया। यही आपसे पूछा क्या गया था, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल को आपने कितना लिया था, x, यानी कि रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22 - 4√10/9, 22 - 4√10/9, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन इस तरह के आएंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, ओके, एंड स्मॉलर सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, ओके। ऐसे एक राइट ट्राइंगल के अंदर दो सर्कल्स दिए गए हैं जिसमें बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो 12 दिया गया है और छोटे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा। अगेन सेम कंडीशन है, सेम टाइप का अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे। चलिए करते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, सेम कंस्ट्रक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों, हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब देखिए, इतना पार्ट आपको 12 दिया गया है, यानी कि ए भी वाला पार्ट 12 होगा, ये जो रेडियस है वो 3 दिया गया है, ए रेडियस आपको 3 दिया गया है। चलिए आगे आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन यहां से इसको मिला सकते हैं ताकि 3 के रेडियस पे ही जाए। तो देखिए, जो आपको पी ए क्यू, इसको सी बी ए ऐसे ट्रायंगल नाम दे दे, तो जो आपका होगा Q से यहाँ पे डाले, T एक परपेंडिकुलर डाले, तो इतना तो चला पता चल गया कि जो TS का लेंथ होगा वो भी 3 होगा। थोड़ा सा छोटा फिगर है, इसको फिर से मैं एक्सपेंड करके आपको बता दूंगा, TS का जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए, टोटल PS भी तो बड़े ट्रायंगल का रेडियस है, PS कितना दिया गया है, 12, इसका मतलब कि PT का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9, यानी कि PT यहाँ पे 9 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगेन सिमिलैरिटी का यूज करके आपको एक्चुअली इसका एरिया निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस पता चल जाएगा, तो इस ट्राइंगल का आपको एरिया इजिली पता चल जाएगा, चूंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिमिलैरिटी जो है बहुत ईजिली हो जाएगा। चलिए सिमिलैरिटी के लिए थोड़ा सा जो ए वाला जो ट्राइंगल PSC है उसको एक्सपेंड करके देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, ट्रायंगल PSQ को थोड़ा सा आपको बड़ा पिक्चर में लगा दिया, जहाँ से जो PSQ है इसको मैंने निकाल के यहाँ राइट साइड में डाल दिया है। तो PSQ ऐसा है जिसमें से इतना लेंथ 3, तो ये आपका जो PT है वो 9 आया है। अब एक चीज़ आपको गौर करना है, यदि PQ का लेंथ निकालना है तो PQ का लेंथ एक्चुअल में क्या है, बड़े सर्कल का रेडियस प्लस छोटे सर्कल का रेडियस, वो कितना हो जाएगा आपको, वो आपका 15 आ गया। तो जो PQ है वो कितना आ गया, सॉरी PQ का जो लेंथ है वो आपका कितना आया, 15 सेंटीमीटर का आया। अब आप यदि ट्रायंगल PTQ में देखेंगे, ट्रायंगल PTQ में तो क्या है, जो आपका परपेंडिकुलर है वो 9 है और हाइपोटेनिस 15 है, इसका मतलब बेस यानी कि QT कितना हो जाएगा, QT आपका 12 आ गया। अब आप आराम से सिमिलैरिटी निकाल सकते हैं, दो ट्रायंगल को आप अलग अलग ले लीजिए। चलिए दो ट्रायंगल को मैं फिर से एक बार अलग अलग कर देता हूँ, दो ट्रायंगल आप कौन सा लीजिए, PTQ ले लीजिए और फिर दूसरा ट्रायंगल जो है इसको मान लीजिए सपोज M, तो QMC को ले लीजिए। अब आप देखेंगे कि AC वाला जो एंगल है,
ये सी का जो एंगल है इसके साथ सेम एंगल होगा, क्यों होगा आप देख लीजिए, पैरेलल लाइंस है क्योंकि टी क्यू जो है पैरेलल ए सी का है, तो जो एंगल ए होगा वही एंगल ए होगा, ये पता है। ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री यहाँ पे है, यानी कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। अब आपको एक चीज सीधा लगाइए, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स दिए गए हैं वैल्यू, तो सीधा जो है सिमिलरिटी कोफिशियंट लगाइए। इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 9 है, इसका मतलब कि जो एक साइड कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। सिमिलरली यदि आप देखेंगे कि जो ए वाला साइड 12 है तो इसका साइड 12 है, तो ए वाला साइड कितना होगा, 4 होगा, तभी तो 3 गुना होगा। अब ए साइड 5 है, इसका मतलब कि ए आपका 15 है, तो ए जो क्यूसी है वो 5 आ जाएगा। अब आपके पास इतना चीज आ गया, तो अब आपको करना क्या है, अब और इजी हो गया कि आप बेस और परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं। कैसे इजी हो गया मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, इतना डिस्टेंस अभी आपने निकाला, टी क्यू का लेंथ कितना आया, 12 आया। अभी आपने जो यहाँ पे सपोज एम लिए थे, तो एम सी का लेंथ आपको कितना आया था, 4 आया था। तो इसका कहने का मतलब जो टोटल एस सी हो गया वो कितना हो गया, 16। तो अब आप देखेंगे कि बड़े वाले सर्कल में सेम पॉइंट सी से टेंजेंट डाला जाता है, तो जो यहाँ पे एस कटता है इतना डिस्टेंस और ए डिस्टेंस तो सेम ही होगा, मतलब कि ए वाला डिस्टेंस भी 16 होगा, ऑब्वियसली 16 होगा। तो देखिए, यहाँ से जो ए वाला पॉइंट है, सपोज आप ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, चलिए एक्स ले लेते हैं। तो ए वाला जो एक्स के डिस्टेंस को अपन सपोज स्मॉल ए ले लिए, तो ए 12 हो गया। अब ए पॉइंट से जो आपने टेंजेंट डाला है बड़े वाले पे, यहाँ पे ए लेंथ लिया है, तो सिमिलरली इस साइड में भी ए लेंथ हो जाएगा, ऑब्वियसली होगा। अब आप क्या कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ए प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस ए कितना हो जाएगा, 12 तो ऑलरेडी है, और 16 यानी कि टोटल 28 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 16 का होल स्क्वायर। इसको आप मन में, आप क्वेश्चन लग रहा है तो कर सकते हैं, नहीं तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। ए स्क्वायर दोनों साइड चलिए इसको लिख ही देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 144 प्लस 24A प्लस 784 बराबर ए स्क्वायर प्लस 256 प्लस 16 दूना 32 ए आ गया। ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 24 और इधर 32 ए है, यानी कि 8 ए बराबर कितना हो जाएगा, 784 प्लस 144 ये 800 आ जाएगा, उधर 16 जाएगा, फिर उधर 28 बच जाएगा, 800 928 उधर बचेगा, उसमें से 256 घटाएंगे तो इधर तो आ जाएगा 700, 700 में से 28 घटाएंगे, 700 में से 28 घटाएंगे फिर क्या हो जाएगा, 672, तो 672 आ गया। इसका मतलब ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 × 64 3 8 × 32, ए का वैल्यू 84 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आप यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू आपने क्या लिया है, ए प्लस 12, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 84 प्लस 12 96। बेस कितना है आपको, बेस तो आपने ऑलरेडी निकाल चुका है क्या, 16 प्लस 12 28। अब आपको बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, तो एरिया निकाल सकते कि नहीं, इजिली निकाल सकते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 28 गुने ऊंचाई कितना है, 96, इसको काटेंगे 14 से, ये कितना आ जाएगा, 14 × 6 84, 8 × 14 = 126 और 8 कितना आ जाएगा, 134, 1344 सेंटीमीटर² विल बी द एरिया। ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा तो दिमाग, चूंकि मैं आपको कंफ्यूजन ना हो, सब चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए, इसलिए एक क्वेश्चन को मैं 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट तक समझा रहा हूँ। आपको एग्जाम में इतना चीज़ नहीं करना है, मैं आप हर फिगर को सेपरेट कर रहा हूँ, फिर सिमिलैरिटी दिखा रहा हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ ताकि आपको लगे कि यहाँ से ये चीज़ कैसे हुआ, सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियरली समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री के, बट ये आपको समय लेगा क्योंकि इसमें डेटा जो है इतना इजी नहीं है, जैसे कि वहां पे 3 और 12 दिया गया था, यहां पे डेटा आपको ट्रेवल करेगा। तो एक्चुअली मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो है, जितने सारे क्वेश्चंस है सारे मैंने अपने फेसबुक ग्रुप से, जो भी आर्काइवल में जो भी इमेज जो है लास्ट के 1-1.5 साल में जब से मैंने ग्रुप बनाया है वहीं से सारे क्वेश्चंस निकाल करके लाए हैं। तो जो लोग फेसबुक में थे उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि क्वेश्चन डिस्कस था, क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज 3, ओके, एंड द स्मॉलर सर्कल इज 1, ओके, एज शोन इन द फिगर, ऐसा दिया गया है। तो आपको एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। अब मैं थोड़ा सा फास्ट जा सकता हूँ, सेम कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ से इसको मिला देंगे तो ए वाला 1 हो जाएगा, तो इतना पार्ट 2 हो गया। अब एक चीज़ देखिए क्या करना है आपको, एक चीज़ आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो आपने परपेंडिकुलर डाला है,
तो उससे एक चीज पता चल जाता है कि इतना जो डिस्टेंस होगा जो आपने अभी किया है, इतना डिस्टेंस क्या होगा, दोनों सर्कल के रेडियस का सम, दोनों सर्कल का रेडियस का सम क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया। चलिए इस दोनों जो ट्रायंगल है इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, इस दोनों ट्रायंगल को थोड़ा सा सेपरेट बना देता हूँ ताकि आपको सिमिलैरिटी फिर से समझ में आ जाए। देखिए इसका साइड 1 a, मैं इतना पोर्शन को ले रहा हूँ, इस चीज़ को आप देख लीजिए, फिर इतना पोर्शन को ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, इसका साइड 3 दिया गया है। अब इस ट्रायंगल में अब आप देखेंगे कि ए 3 है और ए वाला साइड सॉरी 2 है, तो इतना जो ए बेस है वो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, 3 2 और 1 3, सॉरी इसका रेडियस 3 है और इसका रेडियस 1 है, तो ए 4 हो जाएगा, तो ए वाला जो है 4 आ गया, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12, यानी कि 2√3। अब एक चीज देखेंगे कि छोटे वाले से जो बड़ा वाला सर्कल है वो सिमिलैरिटी है, सिमिलर है वो तो पता है, 2 गुना है, इसका मतलब कि इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका हाफ यानी कि √3, तभी तो √3 का डबल 2√3 हो जाएगा। इतना आई होप आपको समझ में अभी तक आ गया होगा, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ। तो ये वाला जो हाइपोटेनिस है 4 है, तो इसका आधा ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनिस 2 हो जाएगा। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मान लीजिए x, तो इतना तक का डिस्टेंस ये भी x हो जाएगा, क्योंकि सेम पॉइंट से आप क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट से टेंजेंट डाले हैं, इसका लेंथ तो 3 है ही, इसका लेंथ 3 है ही। अब आपको क्या करना है, इतना डिस्टेंस जो इस ट्रायंगल का बेस हुआ है वो कितना था, 2√3, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस कितना हुआ था, √3, तो ए √3, यानी कि ओवरऑल टोटल क्या हो गया आपको इतना तक, 3√3 हो गया। अब आपको आगे क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर। चलिए बेस क्या हो जाएगा आपको, 3+3√3, तो 3+3√3 का होल स्क्वायर। पिछली वाले क्वेश्चन में जो है डेटा इजी था, यहाँ पे रूट आ रहा है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, और जो आपका हाइपोटेनिस आ रहा है वो कितना आ जाएगा, एक्स, अगेन इतना डिस्टेंस 3√3 है, तो ये भी डिस्टेंस आपको 3√3 हो जाएगा, यानी कि x+3√3 का होल स्क्वायर। अब आप लगा दीजिए, इजिली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² + 9 + 3 = 9, x² + 9 + 3 = 6x, ये कितना आ जाएगा, 9 + 27 + 3 = 9 = 18√3, बराबर इस साइड क्या आ जाएगा, x² प्लस ये कितना आ जाएगा, 27 + 3 = 6√3 एक्स आ जाएगा, x² तो आपको कैंसिल आउट हो गया। चलिए आगे आप देखते हैं x वाला टर्म कहाँ कहाँ है, x वाला टर्म यहाँ है और x वाला टर्म यहाँ है, x कॉमन ले लेंगे, 6x एक्चुअली कॉमन लेंगे, तो एक आ जाएगा √3 - 1 आ जाएगा, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 और 27, 27 और 27 तो कैंसिल आउट हो गया, 9 और 9 18 + 18√3 आ गया, 6 से इसको काट देंगे 3 टाइम्स, ये भी जाएगा 3 टाइम्स, तो एक्स का वैल्यू एक्चुअल में आपको क्या आ गया, 3 कॉमन ले लिए, तो ये चीज़ आ जाएगा आपको √3 + 1 / ये आपको √3 - 1 पर मेयीकरण कर दीजिए, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, 3√3 + 1 का होल स्क्वायर बटे में नीचे 2 आ जाएगा। चलिए इसको और सॉल्व कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, 3 गुना, ये चीज़ कितना आ जाएगा, 3 × 4 + 2√3 बट्टे में आपका 2 है, तो ये चीज़ क्या आ जाएगा, 3 गुना, 2 से 2 कॉमन लेके काट देंगे तो 2 + √3 आ गया, जो कि आपको 3 × 6 + 3√3 दे देगा। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्चुअल में x+3 है, यानी कि 6+3√3 + 3, यानी कि 9+3√3 आ गया। बेस आपको कितना आ जाएगा, बेस है 3+3√3, 3+3√3। अब एरिया तो आप आराम से निकाल सकते हैं, एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुना बेस गुना परपेंडिकुलर, अब आप कर लीजिए इसको, ये आ जाएगा 9+3√3 × 3+3√3। अब इसको लगा दीजिए, ये 1/2 × ये कितना आ जाएगा, 9 × 3 = 27 और 3 × 3 = 9 × 3 = 27, यानी कि 54 आ गया, प्लस √3 वाला को ले लीजिए आप, ये 9 × 3 = 27√3 और 3 × 9, सॉरी 54 नहीं आएगा, √3 वाला को पहले लेंगे, तो 9 × 3 = 27√3 और 3√3 × 3 = 9√3, तो ये कितना आ जाएगा, 36√3, फिर
इंटीजर को ले लेते हैं 9 3 27, और ये भी 3√3 × 3√3 27 आ जाएगा, तो 27 और 27 54 आ गया, यानी कि जो आपका एरिया आया, एरिया आपको एक्चुअल में क्या आ जाएगा, 1/2 × 36√3 + 54 है, यानी कि ये चीज़ आपको आ जाएगा 27 + 18√3। 27 + 18√3 कौन सा ऑप्शन है? 27 + 18√3 ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये वाला क्वेश्चन शायद प्री 2017 में आया था, इसका मैं फॉर्मूला भी आपको बता सकता हूँ, बताऊंगा भी, बट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको पता चल गया कि सीजीएल मेंस के क्वेश्चन के अनुसार फॉर्मूला काम करता नहीं है, ऐसा ही जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन दे देगा, ये तो ईजी लेवल का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, इन द गिवेन फिगर पी आर एंड एस टी आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट क्यू आर, ओके, पी आर पासेस थ्रू सेंटर ओ, ओके, ओ से पास कर रहा है, ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, यानी कि ओ एस भी 5 है और ओ पी भी 5 है, देन वॉट इज द लेंथ ऑफ एस टी, चलिए इस लेंथ को एक्स मान लेते हैं। अब इस तरह से तो कंस्ट्रक्शन कर ही सकते हैं, ए भी एक्स हो जाएगा, ए भी एक्स हो जाएगा, और आपको दिया क्या गया है, पी आर का लेंथ 9 सेंटीमीटर, यदि पूरा पी आर आपको 9 सेंटीमीटर का है तो इसको पी एम ले लेते हैं, तो पी एम तक का लेंथ क्या हो जाएगा, चूंकि इतना लेंथ एक्स है तो पी एम तक का लेंथ आपको 9 - x हो जाएगा। अब आप इजीली कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, इतना पोर्शन को ना इस वाले जो ट्रायंगल पी एम एस है उसको उठा लेते हैं, चलिए ट्रायंगल पी एम एस को मैंने उठा लिया, पी एम एस को उठा लिया, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस सेंटर से जो पास कर रहा है उसको भी मैंने ले लिया। अब आपको एक चीज़ देखना है कि जो ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो रहा है, ये तो पता है आपको, इसके 90 के सामने वाला लेंथ क्या है, 5 है, और ये भी 5 है, यानी कि ओवरऑल जो टोटल क्या है, 10 है, ओवरऑल जो आपको डायमीटर है वो तो 10 दिया गया है ना, तो एक चीज़ आपको देखना है कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है और जो बड़े वाले ट्रायंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने वाला 5 है और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने वाला 10 है, इसका मतलब कि सिमिलैरिटी कांस्टेंट क्या है, 2 टाइम्स है, यानी कि छोटे ट्रायंगल के हर एक साइड से, हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से बड़ा वाला ट्रायंगल जो है 2 गुना बड़ा है, यानी कि इतना यदि 5 है तो इसका 90 वाला 10 हुआ और ए वाला पार्ट आपने 9 - x लिया है, यानी कि इतना वाला पार्ट आपको क्या हो जाएगा, 9 - x/2, यानी कि ए वाला डिस्टेंस 9 - x/2 आपको मिल गया। अब आप आगे क्या कर सकते हैं उसको देखिए, ये जो साइड लिया है देखिए, इसके 90 के सामने, यानी कि इस वाले एंगल के सामने वाला साइड जो 9 - x है, तो सिमिलरली इस वाले 9 एंगल के सामने ए वाला जो साइड है, ये आपका कितना आया, 9 - x/2। अब आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, सपोज इसका ले लेते हैं ओ एन, ओ एन का लेंथ जो रेडियस है वो एक्चुअली में क्या है, आपको रेडियस ही तो है, इसका लेंथ 5 है, अब लगा दीजिए ये जो ओ ओ, कुछ ले लेते हैं सपोज ओ ए, ओ ए का लेंथ जो है आपको 9 - x/2 है, तो 9 - x/2 और इतना लेंथ जो है आपका एक्स है, इसी का लेंथ तो 5 के बराबर दिया गया है, इसका मतलब कि ये चीज़ क्या आ जाएगा, 9 इधर 2x हो जाएगा, यानी कि 9 + x = 10, तो x का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यही चीज़ आपसे पूछा गया है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि एस टी का लेंथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट था, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कि जब किसी भी वृत्त के व्यास यानी कि डायामीटर, किसी भी वृत्त के व्यास से उस वृत्त के टेंजेंट पे जब आप लंब डालते हैं, जब आप लंब डालते हैं तो इस तरह का फिगर बनेगा, यानी कि सपोज इसको ए बी सी डी ई एफ ले लेते हैं, तो ये आप हमेशा याद रखिए कि जो सेंटर वाला साइड का लेंथ है यानी कि सी डी का लेंथ है, वो हमेशा जो दोनों डायमीटर के एंड से जो परपेंडिकुलर डाला गया है उस दोनों के लेंथ का एवरेज होता है, यानी कि ये चीज होता है हमेशा ए बी प्लस ई एफ का आधा होता है, ये आपका फॉर्मूला है। ध्यान क्या रखना है कि किसी भी सर्कल में यदि उसके स्पर्श रेखा को किसी भी उसी सर्कल के डायमीटर के 2 बिंदुओं से यदि उस स्पर्श रेखा पे लंब डाला जाता है, तब केंद्र से मिलाने वाली जो लाइन बनती है, जो लेंथ होता है, वो लेंथ दोनों व्यास के जो सिरा है उस लेंथ के
सम का हाफ होता है, यानी कि आप लगा लीजिए सी डी का लेंथ आपको चूंकि ये रेडियस है तो 5 बराबर ए बी 9 दिया गया है, ई एफ का लेंथ आपको पता नहीं है तो 9 प्लस एक्स बाई टू यानी कि 9 प्लस एक्स बराबर 10 होता है, तो एक्स का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, टोटल 5 क्वेश्चन में हाफ एन आवर गुजर गया, तो चीज़ों को समझिए, थोड़ा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेशन दे दूँ आपके एग्जाम से पहले। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, तो चाहते हैं तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। यदि नहीं मन करे तो कोई बात नहीं है। तो चलिए तो आज के सेशन को क्लोज करते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।